ये अल्लाह की रहमतों का मौसम बहार है और अहले ईमान के लिए करम नवाजियों, रहमत, बरकात और अनवार का लूट से मेला है, जिसमें गुनाहगारों की बख्शिश व मग़फ़रत का सामा होता है और अल्लाह माह सियाम की हर शब को गुनाहगार जहन्नम की आग से आज़ाद फरमाता है। ये बाबरकत महीना अपने दामन में इतनी बरकतें लिए हुए जलवागर होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है तो वो आरजू करें कि पूरा साल ही रमज़ान रहे। इतनी बरकतें और इतनी रहमतें अल्लाह ने इस मुबारक महीने के दामन में डाल दी हैं। मैंने जो आपके सामने आयत करीमा तिलावत की है उसमें भी इस मफहूम को बयान फरमाया गया कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पे फ़र्ज़ किए गए थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। क्यों फ़र्ज़ किए गए, वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। तो रोज़े की फर्जियत का नतीजा तकवे का हासिल होना है, इत्तेका की दौलत का नसीब होना है। तो इस आयत करीमा में तीन चीज़ें बयान की गई। सबसे पहली, ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। फिर दूसरी बात, जिस तरह तुम्हारे से पहलों पे फ़र्ज़ किए गए। और तीसरी बात, ताकि तुम्हें तकवे का नूर नसीब हो, तुम्हें इत्तेका की दौलत नसीब हो। तो एक तो रोज़े की फर्जियत का हुक्म दिया गया और दूसरा ये तसल्ली दी गई कि ये भूख और प्यास की शिद्दत तुम्हें ही नहीं काटना पड़ेगी, तुमसे कबल भी लोग ये इबादत करते रहे हैं और वो इस मुश्किल इबादत से तकवे को हासिल करते रहे हैं और तुम्हें भी हम उस रास्ते से तकवा नसीब करना चाहते हैं। अल्लामा हक्की अलैह रहमा ने लिखा है कि मलिक तहमूरस सालिस, ये हज़रत आदम अलैह सलाम की औलाद से तीसरा बादशाह गुजरा है, उसके ज़माने में काहत पड़ गया था तो उसने अपनी कौम को ये हुक्म दिया कि एक वक्त का खाना आप खा लें और एक वक्त का खाना बचाएं और वो काहत ज़दा इलाकों में भेजें। तो कौम ने उस हुक्म को बसर व चश्म कबूल किया और एक वक्त का फाका काट के अपने उन भाइयों के लिए वो खाना भेजते जो काहत में मुब्तला थे। कौम की ये अदा अल्लाह को पसंद आ गई और वक्त के नबी पर वही की गई कि तुम्हारे इस अमल को हम इबादत करार देते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मुत्तसिल ही ये इबादत फ़र्ज़ की गई और फिर जितनी भी मिल्लतें, कौमें और उम्मतें आईं उनमें रोज़े की तहसीन की गई और रोज़े की तलकीन की गई। पुरानी जितनी भी किताबें हैं, अनाजील हैं, तौरात है, उसमें रोज़ादारों की तारीफ मौजूद है और हुजूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया पे तशरीफ़ फरमा हुए तो आका करीम रोज़े की फर्जियत से पहले भी रोज़े रखते थे। वैसे रोज़ा सन 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ है, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में, लेकिन इससे कबल भी अय्यामे 20 के हुजूर रोज़े रखते थे और उसके अलावा भी मुख्तलिफ अय्याम में अल्लाह के महबूब रोज़े रखते थे। रोज़े की फर्जियत के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कुल 9 रमज़ान आए हैं, जिसमें 7 29 के थे और 2 30 के थे।
ये बात जहन में रखिएगा कि रोज़े 29 हों, सवाब फिर भी 30 कह दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो रमज़ानुल मुबारक के महीने होते हैं वो 29 के होते हैं, 30 के कम होते हैं। हुजूर की ज़िंदगी में 9 में से 7 जो हैं वो 29 के हुए हैं और 2 30 के हुए हैं, तो सवाब पूरे 30 का ही है। बाज़ लोगों को ज़्यादा ही मसला होता है, 29 हो जाएं तो ये अल्लाह का करम है कि रोज़ा रखना भी नहीं पड़ा और 30वें का सवाब भी मिल गया, लेकिन वो शोर मचा देते हैं कि ये रोज़ा खा गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को अपने ज़िम्मे इतनी बड़ी उम्मत का बोझ लेने की परेशानी हो और वो खामखा एक रोज़े के लिए पूरी उम्मत का बोझ अपने कंधों पर डाल ले। तो 29 रोज़े हों या 30 हों, अल्लाह सवाब पूरे 30 का ही अता करता है। रोज़ा अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रज़ा और उसकी मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया है, और इसका अमली नतीजा जो इस आयत करीमा में बयान किया गया वो तक्वा है। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया कि तुम्हें तक्वा नसीब हो जाए, इत्तिका की दौलत नसीब। अब सवाल यह है, क्या तकवा भूख और प्यास से हासिल होता है? प्यास काटने से, भूख काटने से क्या तकवा नसीब हो जाता है? सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखने की तलकीन की गई। यहाँ नार्वे में और मुख्तलिफ मुमालिक के अंदर 20-20 घंटे का रोज़ा है, और हमारे भी यहाँ 16-17 घंटे मुसलसल शिद्दत की गर्मी में भूख और प्यास काटना होती है। इतना तवील दौरानिया जो भूख और प्यास काटी है, इसका मकसद रिस्क बचाना नहीं है, बल्कि व युजादु फीह रिस्कुल मोमिन, माहे सियाम में मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। आप अपना बजट देख लीजिए, बाकी महीनों की नस्बत माहे सियाम में आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और कुशादगी होती है। तो ये कोई खुराक बचाओ मुहिम नहीं है, बल्कि रिस्क तो बढ़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद 20-20 घंटे, 17-17, 18-18 घंटे प्यास और भूख काटना, इसका कोई मकसद है तो वो मकसद कुरान ने बयान किया कि इसके नतीजे में तुम्हें इत्तिका की दौलत मिलेगी, तुम्हें तकवे का नूर नसीब होगा। सवाल ये खड़ा हुआ, क्या भूख और प्यास काटने से तकवा मिल जाता है? तो इसको समझने के लिए एक मुख्तसर तमहीद समझना होगी, और वो ये कि हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें जादाए मुस्तकीम से हटाने के लिए दिन रात कोशा हैं, एक शैतान और दूसरा नफ्स। ये दो दुश्मन हैं जो हमारी मताए अमल, हमारा खुलूस, हमारी लिल्लाहियत, हमारा बातिन लूटने के लिए हर वक्त मुस्ताद और फ़ाल रहते हैं। अब इन दो दुश्मनों से हमारे तन्हा नातवा वजूद का मुकाबला है, और ये इनमें से जो बड़ा दुश्मन है वो नफ्स है, क्योंकि शैतान ने जब इनकार सजदा किया तो हम तो ये कहते हैं कि हमें शैतान ने बहका दिया, लेकिन शैतान ने जब इनकार सजदा किया और खुद बहक गया तो उस वक्त कोई दूसरा शैतान तो नहीं था जिसने शैतान को बहकाया, वो नफ्स था जिसने शैतान को शैतान बनाया। उसने अंदर से कहा आना खैर उम्मिन हो, मैं बेहतर हूं, तो ये अनानियत जो थी, आना खैर उम्मिन हो, इसने उसको बहकाया। तो शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है, तो नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। एक बुजुर्ग थे, वो सारी जिंदगी अपनी जुबान पे अना का लफ्ज नहीं आने देते थे। इस मफहूम को बयान करना होता तो वो अल्फाज दिगर बयान करते, मैं का लफ्ज, अना का लफ्ज वो अपनी जुबान पे सारी जिंदगी उन्होंने जारी ही नहीं होने दिया। कहते थे इस लफ्ज ने शैतान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं ये लफ्ज जुबान पे आने नहीं। अच्छा, बंदे भी बड़े अजीब होते हैं, किसी ने कहा लो लो उनकी जुबान पे ये लफ्ज आता क्यों नहीं, मैं जाता हूं और उनकी जुबान पे ये लफ्ज आए ही आए, चले गए। बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे, नमाज का वक्त करीब हो रहा था, हजरत एक मसला पूछने आया हूँ। कहा पूछिए।
शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया? हजरत आप तो बोलेंगे कि मैंने, आना ने, तो कहूंगा जैसे भी हुआ इनके जुबान पे लफ्ज मैं तो आ ही गया ना, तो वो बुजुर्ग भी बड़े सियाने थे, उसकी नीयत का खोट समझ गए। फरमाने लगे बेटा नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लेते हैं फिर इस पर बात होती है। नमाज हुई, सलाम फिरा तो खुद ही फरमाने लगे किसी ने कहा था कि शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया? जवाब देना चाह रहा हूं, किसने पूछा था? झट खड़ा हो गया, मैंने कहा इसी चीज ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो जो नफ्स था वो शैतान को शैतान बनाने वाला है। तो हमारे साथ नफ्स भी लगा हुआ है, हमारे पीछे शैतान भी लगा हुआ है। शैतान भी बड़ा मक्कार दुश्मन है, छोटा दुश्मन ये भी नहीं है। ये हमारी मताए अजीज को, मताए ईमान को, मताए अमल को, मताए खलूस को लूटने के लिए दिन रात मुस्ताद और फाल रहता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अश्शैतानु जासिमुन अला कल्बि इब्ने आदम फैज़ा ज़करल्लाह क़नसा वैज़ा ग़फ़ल वसवसा। शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमा के बैठ जाता है, जब ये अल्लाह का जिक्र करता है तो भाग जाता है, और जब ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो ये वसवसा अंदाज़ी करता है। तो शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमाता है। उसे पता है कि दिल काबू में आ गया तो पूरा बदन काबू में आ गया, क्योंकि मेरे आज़ाए बदनियां मेरे दिल के ताबे। मौसम अच्छा है, रुत सुहानी है, सहने चमन में फूल खिले हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा तो टांगे जुम्बश ही नहीं करेंगे। मुरगन गजाएं सामने पड़ी हैं और आपका तकाजा है कि जनाब ले लीजिए, लेकिन मेरा जी नहीं चाहेगा तो हाथ जुम्बश नहीं करेंगे। आसमान सितारों और कहकशाओं से भरा हुआ है, जी नहीं चाहेगा तो नजर नहीं उठेगी। आप समातें बिछाए बैठे थे, जी नहीं चाहेगा जुबान नहीं बोलेगी। तो पूरे आजाद दिल के ताबे हैं, और अगर दिल शैतान के ताबे हो गया, उसके हत्थे चढ़ गया, तो फिर आजाद वही करेंगे जो शैतान चाहेगा। और अगर ये दिल मालिक की मोहब्बत से सरशार होगा तो फिर दिल जो चाहेगा वही आजाद करेंगे। तो दिल अल्लाह की नाफरमानी चाहत ही पैदा नहीं होने देगा, तो आजाए बदनिया का रुख भी अल्लाह की रिजा के हुसूल के लिए होगा। तो शैतान भी कब्जा दिल पे जमाता है और दिल को काबू में करके हजरत इंसान का बेड़ा गर्क करता है। अल्लाह ताला का कर्म यह हुआ इजा जा रमदान सुलसिलत शयातीन। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब माह सियाम आता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए। अब हमारे दो दुश्मन थे, एक नफ्स और दूसरा शैतान। दोनों के मुकाबले में नातवां और कमजोर जान को मुकाबले में आना पड़ता था, लेकिन जब माह सियाम आया, ये माह अनवर आया, तो हमारे दो दुश्मनों में से एक दुश्मन बांध दिया गया। अब हमारा मुकाबला सिर्फ एक दुश्मन से रह गया। देखिए माह रमजान आता है तो मस्जिदों के दर कुशादा हो जाते हैं, लोगों का रुझान दीन की तरफ होता है। जो पांच नमाजें भी नहीं पढ़ते होते उनको तरावी में भी खड़ा होता देखते हैं, एहतमाम होता है, नेकी का सदका और खैरात का माहौल पैदा होता है। ऐसा क्यों है कि शैतान बंद गया? लेकिन इसके बावजूद नजर भटक रही है, ख्यालों में आवारगी है और रिश्वत का बाजार गर्म है। क्यों? कि अभी नफ्स मौजूद है। तो नेकी का जो माहौल पैदा हुआ ये शैतान के बंद जाने की वजह से, और बुराई का माहौल अब भी मौजूद है ये नफ्स के मौजूद होने की वजह से। तो हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें ज्यादा मुस्तकीम से हटाते हैं, एक शैतान और दूसरा नफ्स। अब जब माह सियाम आया तो शैतान बांध दिया गया, अब हमारा मुकाबला सिर्फ नफ्स से है, और ये नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स, और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। माह सियाम में शैतान तो बंद गया लेकिन नफ्स नहीं बंधा। अब हमें अपने नफ्स को कमजोर करके और अपनी फतह हासिल करनी है और तकवे की मंजिल को पाना है। अब शैतान तो अल्लाह ने बांध दिया, अब नफ्स को कैसे बांधे? तो आइए नफ्स की बंदिश कैसे होगी ये किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये कैसे इसको बांधेंगे, इसको कैसे काबू में करेंगे। तो किसी ऐसे शख्स से पूछें जो इस शोबे का माहर हो, अल्लामा इकबाल के मुर्शद मुल्ला जलालुद्दीन रूमी अलैह रहमा कहते, आओ तुम्हें मैं एक मुआलिज का पता देता हूं जो
तुम्हें इस बीमारी का इलाज बताएगा और इसकी बंदिश के तरीके बताएगा। शेख रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश्त मा हनूज अंदर खमे यक पूछा। इश्क के सातों शहर शेख फरीदुद्दीन अत्तार घूम चुके हैं और मेरे जैसा शख्स इश्क के पहले शहर की पहली गली के कोने पे खड़ा है। अब अंदाजा किए कि जिनका पता हजरत मुल्ला जलालुद्दीन रूमी दे रहे हैं वो किस बुलंद मर्तबे पे फैजुल मराम है। फरमाया कि वो इश्क के सातों शहर घूम चुके हैं और मैं पहले शहर की पहली गली की नुक्कर पे खड़ा हूं। अब शेख फरीदुद्दीन अलैहि रहमा से पूछिए कि शैतान तो बंद गया, अब नफ्स का वबाल हमारे ऊपर पड़ रहा है और हम इसके बावजूद माह सयाम के अंदर गुनाहों में मुनहमिक हैं, तो हमें बताया जाए कि इस नफ्स का इलाज कैसे।